हेलो दोस्तों, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैसे का बहुत महत्व है, क्योंकि हम पैसे से किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ तो नोटिस किया ही होगा कि नोटों पर लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ऐसा क्यों लिखा होता है और इसका मतलब क्या होता है, क्या आप लोग जानते हैं या फिर कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश की है? अगर नहीं तो आज हम जानेंगे इसके बारे में। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जो कि 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई करता है। आप लोगों को पता ही होगा कि 1 रुपए के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। सन 1935 से पहले मुद्रा छपाई की जिम्मेदारी भारत सरकार के पास थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के आधार पर मुद्रा प्रबंधन की भूमिका प्रदान की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 भारतीय बैंक को नोट जारी करने का अधिकार देती है। भारत में नोटों की छपाई का काम न्यूनतम आरक्षित प्रणाली यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर किया जाता है। यह प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह RBI फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इस 200 करोड़ में 115 करोड़ का सोना और शेष 85 करोड़ की विदेशी संपत्ति रखना जरूरी होता है। इतनी संपत्ति रखने के बाद RBI देश की जरूरत के हिसाब से कितनी भी बड़ी मात्रा में नोट छाप सकती है। हालांकि इसके लिए उसे सरकार से अनुमति लेनी होती है। मैं धारक को 10, 20, 50 या 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका क्या मतलब है? किसी भी नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह कथन इसलिए प्रिंट करती है क्योंकि वो जितने रुपए की नोट छापती है उतने रुपए का वह सोना अपने पास रिजर्व कर लेती है। वह धारक को ये विश्वास दिलाने के लिए कथन लिखती है कि यदि आपके पास 100 रुपए का नोट है तो इसका मतलब यह है कि रिजर्व बैंक के पास आपके 100 रुपए का सोना रिजर्व है। इसी तरह से अन्य नोटों पर भी यह लिखा होने का मतलब है कि जो नोट आपके पास है उस नोट के धारक आप हैं और उसके मूल्य के बराबर आपका सोना रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखा है और रिजर्व बैंक वो सोना उस नोट के बदले आपको देने के लिए वचनबद्ध है। RBI 200 करोड़ की यह संपत्ति इसलिए रखता है ताकि नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के शपथ मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूँ को निभाया जा सके। किसी भी विशेष परिस्थिति जैसे गृह युद्ध, विश्व युद्ध या कोई भयानक प्राकृतिक आपदा, मंदी या अत्यधिक महंगाई इत्यादि में भी RBI को डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जा सकता। अर्थात जिसके हाथ में भी यह शपथ वाला नोट होगा उसको उतना भुगतान करने का दायित्व RBI का है। इसी कारण यदि कोई व्यक्ति किसी सही नोट को लेने से इनकार करता है तो इसका सीधा यह मतलब है कि वह RBI के गवर्नर अर्थात सरकार के प्रतिनिधि की आज्ञा को नहीं मान रहा है, अर्थात कानून तोड़ रहा है, इसलिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ अब आपको समझ आ गया होगा कि नोट पर गवर्नर के वचन मैं धारक को 10, 20, 100 इत्यादि रुपए देने का वचन देता हूँ का क्या मतलब होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।